स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में बांदा से आए तीमारदारों को पीटने वाले जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया। बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष सुरेश यादव की अगुवाई में बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेसी और अधिवक्ताओं के समूह ने आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बांदा के थाना बबेरू ग्राम साथी से आए कुन्नी देवी बेटे अंकित पटेल और भतीजे रोहित के साथ बहु सुमन का उपचार कराने के लिए SRN आई थी। उपचार के दौरान वार्ड 12 में मौजूद जूनियर डॉक्टरों द्वारा किसी बात को लेकर तीमारदारों के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि सभी ने मिलकर दोनों भाइयों को जमकर पीटा। इसे लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। डॉक्टरों की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेसी सड़क पर उतर आए। प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी और विवेकानंद पाठक ने कहा कि लगातार स्वरूप रानी अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के साथ डॉक्टर मारपीट करते हैं, जिस पर अंकुश लगाने में सरकार और अस्पताल प्रशासन नाकाम है। पार्टी के जिला शहर कमेटी के प्रवक्ता हसीब अहमद ने कहा कि अस्पताल में तीमारदारों पर हमला करना अत्यंत निंदनीय है। प्रयागराज में जूनियर डॉक्टरों द्वारा जिस तरीके से तीमारदारों के साथ मारपीट की गई, ये मारपीट की घटना कोई पहली बार नहीं है। इससे पूर्व भी प्रयागराज में तीमारदारों के साथ इन जूनियर डॉक्टरों ने कई बार मारपीट किया है, मगर सरकार की चुप्पी ने डॉक्टरों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। आज कांग्रेस ने प्रयागराज में इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जो जांच कमेटी गठित किया गया है उसमें कहीं न कहीं सरकार और उनके द्वारा संरक्षण पर पल रहे नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। हम लोगों ने जिलाधिकारी जी को के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंप करके इस पूरे प्रकरण की जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग किया है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री छापा मंत्री में तब्दील हो गए। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर व्यवस्था में तब्दील हो गई, मगर बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से दुरुस्त कराने में विफल स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक जी को नैतिकता के आधार पर जिस तरीके से तीमारदारों के साथ मारपीट किया गया है उस पर इस्तीफा देना चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मांग कर रही है।